हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से दोना पत्तल की दुकान का पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से दोना पत्तल की दुकान का पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को PNG चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे 3 डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके ओपन PLP फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे PLP पे क्लिक करेंगे, यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग दोना पत्तल दुकान PLP पे क्लिक करेंगे, ओपन एंड ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, उसके बाद बैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा। अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपनी दुकान का पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने बफर प्लेट, सिल्वर प्लेट, दोना और प्लास्टिक के ग्लास का फोटो PNG लगा रखा है। यहाँ पे मैंने बफर प्लेट का फोटो PNG लगा रखा है। दोस्तों, इस फोटो PNG को भी आप लोग चेंज कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी PNG हमको नहीं चाहिए उसे डिलीट कर सकते हैं हम लोग। और उसके बाद प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाके हम लोग दूसरी फोटो PNG यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लकी दोना पत्तल। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपनी शॉप का नाम लिख सकते हैं। उसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी लकी दोना पत्तल लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी शॉप का नाम लिख के ओके कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थोक व रिटेलर विक्रेता। दोस्तों, अगर आप लोग थोक के विक्रेता नहीं है तो ओनली रिटेलर विक्रेता लिख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक कमेंट डाला हुआ है, हमारे यहाँ सभी प्रकार के दोना पत्तल प्लेट व डिस्पोजल उचित मूल्य पर मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी लिखा हुआ है हमारे यहाँ वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो भी लिखना चाहते हो लिख के ओके कर देंगे। उसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने एड्रेस अपने गांव का डाला हुआ है। दोस्तों, आप लोग अपनी शॉप जहाँ भी है वहाँ का एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी पता लिखा हुआ है वहाँ पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना एड्रेस अपडेट करके ओके कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो प्रो में मैंने अल्फाज अंसारी लिखा हुआ है। दोस्तों, आप लोग अपना नाम लिख सकते हो और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। अब दोस्तों, इस पोस्टर का जो बैकग्राउंड का कलर है वो अगर आप लोग को पसंद नहीं है तो उसे भी आप लोग चेंज कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके यू पे क्लिक करेंगे और इसको प्लस माइनस करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, तो आप लोग को जो भी कलर पसंद है उसे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद ओके कर देंगे। अब दोस्तों, इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, इमेज फॉर्मेट में JPG या PNG सिलेक्ट कर सकते हैं,
क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को किसी फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग मोबाइल से ही पोस्टर बना सको। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।